मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं पूर्व में ही आपसे चर्चा कर चुका हूं कि 2021 का जो वर्ष है वो शिक्षक नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण और स्वर्णिम वर्ष है। रोज छोटे बड़े बदलावों के साथ समाचार पत्रों की सुर्खियों में आप अलग अलग शिक्षक भर्तियों के बारे में प्रतिदिन जानकारी ले रहे हैं, अलग अलग वैकेंसीज की जानकारी आपको रोज मिल रही है। ये छोटे बड़े बदलाव आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं? संस्था में भी बार बार आपको फोन कॉल करने पड़ रहे हैं, आपके जो डाउट्स हैं बैच से संबंधित है, परीक्षा तिथि से संबंधित है, और महत्वपूर्ण सूचनाएं क्या क्या हो सकती हैं जो आपके लिए तीन महत्वपूर्ण परीक्षाएं सामने लगी हुई हैं। एक तो जूनियर शिक्षक भर्ती जो एडेड स्कूल की है 2021 की, सुपर टेट के 51,000 से अधिक पद हैं और यूपी टेट 2021। इन तीनों के ही बारे में आज जो है जानकारी आप लोगों को दूंगा। कुछ महत्वपूर्ण ऐसी चीजें जो आपको जाननी जरूरी है और वो बैच से भी संबंधित है और आपकी पढ़ाई लिखाई से भी संबंधित है। तो आइए अविलंब मैं इन सूचनाओं को आपके समक्ष प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 के बारे में। संस्थान ने इसके लिए निश्चय बैच का आयोजन किया है उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ। बैच में प्रवेश प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी है और 19 तारीख से आपकी कक्षाएं वेबसाइट पर प्रारंभ होने चल रही है। 18 तारीख को इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आ रहा है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में निश्चय बैच, जो लोग जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और निश्चय बैच वहां पे लिखा है उसके टेलीग्राम लिंक को आप निशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपके मतलब की समस्त जानकारियां आपको प्रदान की गई, प्लस आपको बैच में प्रवेश लेना है तो बैच में प्रवेश से संबंधित भी समस्त जानकारियां आपको प्रदान की गई है। फीस में जो कमी की गई है, ऑफर दिया गया है, उस ऑफर की जानकारियां भी वहां पर है और सीधे भी आप प्रवेश ले सकते हैं। यह आपका नंबर है और इस नंबर पर आपको एंट्री जूनियर लिखकर हमें व्हाट्सएप करना है, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। स्पष्ट बता दूं, अभी कक्षाएं जो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर चल रही हैं, वहीं आपको नोट्स भेजे जा रहे हैं, आप नोट्स और कक्षाओं के नमूनों को वहां पर देख सकते हैं। और इसके बाद 19 तारीख से आपकी कक्षाएं, जब 18 को विस्तृत नोटिफिकेशन आ जाएगा तो 19 तारीख से आपकी कक्षाएं वेबसाइट पर प्रारंभ हो जाएंगी, क्योंकि समय कम है इसलिए हम ज्यादा देर नहीं कर सकते और कक्षाएं हम लगातार 3 से 4 कक्षाएं प्रतिदिन आपको डेमो के रूप में वहां पर दे रहे हैं। यह जो डेमो दिए जा रहे हैं सिक्वेंस में है, मतलब एक तरीके से आपकी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हो गई है। अब यहां पर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मन में हैं, जहां पर आपको दिक्कत हो रही है प्रवेश लेने में और इस वैकेंसी को समझने में, उन प्रश्नों के उत्तर देने की पहले कोशिश करता हूं। इसके बाद मैं सुपर टेट के बारे में बात करूंगा और फिर यूपी टेट के बारे में बात करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके मन में है वो ये है कि इसमें सामाजिक विज्ञान में 2 विषय चुनने हैं कि 4 विषय चुनने हैं। तो देखिए, गणित में 100 प्रश्न गणित को ही चुन के करने हैं, 100 प्रश्न विज्ञान को ही चुन के करने हैं विषय के, कि गणित के 50 रहेंगे कि विज्ञान के 50 रहेंगे। ऐसी कोई भी सूचना कमीशन के रूप में नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि जो ये बैच जूनियर का संस्थान ने प्रारंभ किया है, अगर आपके सामाजिक विषय में 4 विषय से आपको 100 प्रश्न करने हैं तो हम आपको 4 विषय का सामाजिक विषय का क्लास दे रहे हैं। मतलब आपके 2 चुनने होंगे तब भी कंप्लीट पैकेज आपको है और 4 चुनने होंगे तब भी कंप्लीट पैकेज आपको है। हम आपको 4 देंगे, आपको चॉइस करनी है कि कौन से 2 चुनना है। ठीक है, विज्ञान वर्ग के बारे में आपको बता दूं कि आप जो विज्ञान के विषय के रूप में लेंगे उनको गणित की भी क्लासेस दी जाएगी और विज्ञान की भी क्लासेस दी जाएंगी। नोटिफिकेशन की सीमाओं पे आप ये तय करेंगे कि आपको गणित पढ़नी है कि विज्ञान पढ़नी है। मतलब जो व्यक्ति प्रवेश लेगा हम उसको कंप्लीट बैच ऑफर करेंगे, वो विज्ञान की भी कक्षाएं देखेगा, गणित भी देखेगा, पूरा जीएस भी देखेगा जो उसका 50 नंबर का अनिवार्य प्रश्न पत्र है, तीनों भाषाएं देखेगा और सामाजिक विषय भी देखेगा। नोटिफिकेशन की सीमाओं पर एक कंप्लीट बैच के रूप में जो भी जानकारी 18 को निकल के आएगी, संस्थान आपको उस जानकारी के साथ पुष्ट करेगा, संस्थान उस जानकारी के साथ रहेगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4 विषय के रूप में आपको सामाजिक विषय मिलने चल रहा है, 2 विषय के रूप में गणित और विज्ञान मिलने चल रहा है, जीएस आपको अलग मिलने चल रहा है। लगभग लगभग मैं प्लानिंग पहले ही कर चुका हूं कि 3 घंटे की क्लास आपकी जीएस की होगी और 2 घंटे की क्लास आपकी विषय की और प्लस करंट और रीजनिंग की होगी। लगभग 5 घंटे की प्रतिदिन कक्षाएं आपकी होगी। 19 तारीख से बैच वेबसाइट पर जाएगा, आप प्रवेश अभी भी ले सकते हैं और प्रवेश खूब सारे हजारों छात्रों ने संस्थान पर लिया है। जिन लोगों ने प्रवेश लिया वो आराम से अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाएं, टेलीग्राम से पढ़ते लें। आप सभी नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दिया है उसको ज्वाइन कर लीजिए। 18 तारीख को जैसे नोटिफिकेशन आएगा,
जिस परिस्थिति और जिस पाठ्यक्रम का नोटिफिकेशन आएगा, संस्थान आपको उस परिस्थिति और पाठ्यक्रम के हिसाब से कक्षाएं प्रदान करेगा। बिल्कुल बेफिक्र होकर आप बैच में प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। दूसरी बात, अब बात आती है सुपर टेट की, है ना। तो एसटेट 2021 आप सभी लोग जानते हैं 51,000 से अधिक पदों के लिए है, क्लियर है, और यह मौका आपको बार बार नहीं मिलता। और लगभग पूरे प्रदेश से इस समय 20,000 छात्र छात्राएं टारगेट बतालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में 3 बैच के माध्यम से पढ़ रहे हैं, एक पुराना बैच, एक जो बैच 1 दिसंबर से शुरू हुआ था, और एक सफलता बैच। सफलता बैच में आप लोगों के फोन कॉल्स और आपकी क्वेरीज को देखते हुए आज से 3 दिन प्रवेश प्रक्रिया फिर से खोली गई है ऑफर के साथ, है ना। तो 3 दिन प्रवेश आपका सफलता बैच में सुपर टेट के लिए खोला गया। जिन लोगों को सफलता बैच में प्रवेश लेना है, एसटेट के लिए ये सेपरेट बैच है, वो सफलता बैच में 3 दिन प्रवेश ले सकते हैं। आज, कल और परसों वहां पे प्रवेश प्रक्रिया खुली हुई है। 3 दिन बाद शायद आप इतने पीछे हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी उसमें 4 दिन कक्षाएं चल चुकी हैं। तो सैटरडे संडे बैच ऑफ रहता है, तो अगर आज से आप प्रवेश लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी और आप पुरानी चीजों को आराम से कवर कर सकते हैं। तो एसटेट में प्रवेश प्रक्रिया सफलता बैच में 3 दिन के लिए खोली गई है ना। आप 3 दिन प्रवेश ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिखा होगा सफलता बैच, है ना। सफलता बैच जो है वो एसटेट के लिए है, निश्चय बैच जो है वो जूनियर के लिए है ना। नीचे सफलता बैच में जाइए और डिस्क्रिप्शन में सफलता बैच का टेलीग्राम लिंक निशुल्क ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको समस्त प्रवेश संबंधी जानकारियां मिल जाएंगी। और एक सीधी तरीका यह है कि ये आपका व्हाट्सएप नंबर है एसटेट का, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें एंट्री एसटेट लिखकर व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और आप बिल्कुल देर ना करते हुए सुपर टेट के सर्वश्रेष्ठ संस्थान से जुड़िए। पिछली बार 3218 प्लस सिलेक्शन सुपर टेट में संस्थान ने आपको दिए, है ना। तो संस्थान सुपर टेट में चयन के नए नए आयाम लिख रहा है, ना केवल सुपर टेट में बल्कि बीओ में, पीसीएस में, जितनी भी परीक्षाएं हुई संस्थान ने खूब सारे आपको क्या दिए हैं, चयन दिए हैं प्रदेश को। यूपी टेट में हमने रैंकर्स भी आपको दिए हैं, क्लियर। आइए यहां पर देखिए, तीसरी बात यह है यूपी टेट। अब आप जानते हैं यूपी टेट की अनिवार्यता कि बिना यूपी टेट के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको शिक्षक बनना है तो यूपी टेट आपको पास करना ही होगा। तो अभी जिन लोगों ने यूपी टेट पास नहीं किया है, आपके लिए बड़ी चुनौती होने जा रही है ना। तो यूपी टेट के बैच में कक्षाएं कल से प्रारंभ हुई हैं और अभी भी 3 दिन आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं, क्योंकि बैच नया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक दिन 5 घंटे की कक्षाओं के साथ कक्षाएं प्रारंभ हुई है। सभी यूपी टेट के सदस्यों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि 20 तारीख तक आपकी कक्षाएं टेलीग्राम पर चलेंगी, जो नीचे लिंक दिया गया है, और 21 तारीख से आपकी कक्षाएं वेबसाइट पर चलेंगी। 20 की रात में आप सभी लोगों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा। तो जो लोग अभी यूपी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग अभी डिस्क्रिप्शन में जाके यूपी टेट का निशुल्क टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। आपको 20 तारीख तक कक्षाएं, बहुत सारे लोगों ने प्रवेश ले लिया लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, निशुल्क टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। 20 तारीख तक कक्षाएं वहीं मिलेंगी, नोट्स वहीं मिलेंगे। 21 तारीख से आपको लॉगिन आईडी को पासवर्ड दिया जाएगा। कंबाइंड वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि लगभग 1000 फोन कॉल आप काउंसलर सदस्यों को रोज कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है। हम सुचारू रूप से पब्लिकली आके अपनी बातों को पूरी पारदर्शिता से आपसे कह रहे हैं। आप इन बातों को सुने और देखें कि कैसे चीजें होनी है। 11 अप्रैल आपकी परीक्षा तिथि है, जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं जूनियर की। सुपर टेट आपका लगभग जुलाई के लास्ट में होने की उम्मीद है और इसी के आसपास आपका यूपी टेट होगा। तो संभावित परीक्षा तिथि अगर हम लोग देखें तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक आपकी सभी परीक्षाएं यहां पर संपादित हो जाएगी। तो अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है, इस समय आवश्यकता है कि आप बेहतर तरीके से तैयारी करते हुए आगे बढ़े। अगर आपको कोई दिक्कत है तो ये आपके कोई समस्या है, कोई संदेह है, कोई परेशानी है, तो ये नंबर है काउंसलर सदस्यों के, प्रातः 10 बजे से लेकर आप शाम को 7 बजे तक इन नंबर्स पर फोन कर लीजिए। इन नंबर्स पर फोन करके भी किसी भी बैच में आप अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको और जानकारी दे दूं, संस्थान में जो लोग इसके अलावा यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पीईटी का जो नया पाठ्यक्रम आ रहा है और इसके साथ जो आपकी लेखपाल की परीक्षा है, पीईटी लेखपाल, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के
आपके सेपरेट बैचेस जिनको आप स्पेशल बैचेस करते हैं, इंडिविजुअल बैचेस जो है, क्लियर है, और पीसीएस प्री के लिए क्रैश कोर्स, इतने बैच जो आपके हैं ये संस्थान में लाइन में है। फरवरी के अंत से इन सभी बैचेज के बारे में सूचनाएं मिलनी आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो आप अगर सफलतम रूप में सफलतम संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, हड़बड़ाइए मत। हम सभी लोग आने वाले समय में इन बैच पर फोकस कर रहे हैं और बहुत जल्दी संस्थान में इन बैचेज की सूचना आपको मिल जाएगी। तो ये एक संस्थान की तरफ से ओवरऑल जानकारी आपको प्रदान करनी थी। आप सर्वश्रेष्ठ संस्थान से जुड़िए उत्तर भारत के, अगर आपको चयन लेना है तो आप यहां वहां बिल्कुल भी परेशान मत होइए, है ना। प्रवेश प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया, सुपर टेट, यूपी टेट और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में 4 दिन में आप आराम से प्रवेश ले सकते हैं। मैंने समस्त जानकारी आपको दी है, सभी बैच नए हैं और जितनी चीजें यहां पर लिखी हुई है बैचेज की जानकारी, ये फरवरी के अंत से आने वाले आपके बैचेज। आज मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपके मन में कोई और भी तकनीकी प्रश्न हो तो आप प्रश्न के रूप में नीचे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपके प्रश्नों को शामिल करते हुए उसका जवाब दूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।